ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now। जिला मुख्यालयों पर शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, कर्मचारियों का प्रदर्शन कल यानी 28 अक्टूबर को डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अधिकारियों, पेंशनर्स अधिकार मंच, इसके साथ ही इस आंदोलन का राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी अपना समर्थन दे दिया है और शिक्षा मित्रों से भी समर्थन की अपेक्षा की गई है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। NS Now पे NS Now को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए खबर को शुरू करते हैं। तो खबर लखनऊ से है, जहाँ पर कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच की मंगलवार को हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। पदाधिकारियों ने मांगे पूरी ना होने पर रोष जताया और 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर होने वाले प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा की। मंच के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में सरकार ने पेंशन बहाली, शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण व वेतन विसंगतियां दूर करने जैसे मामलों में समितियां गठित की गईं, लेकिन इन पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब तक सभी मांगों पर सरकार निर्णय नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक को मंच के प्रधान महासचिव सुशील कुमार त्रिपाठी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने भी संबोधित किया। बैठक में राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री संजय सिंह समेत कई संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। तो कल सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की सभी की कल प्रदर्शन की तैयारी है पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर, और इसके लिए सभी से आंदोलन में भाग लेने की, इस प्रदर्शन में भाग लेने की अपेक्षा जताई है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने। उन्होंने इसके लिए शिक्षा मित्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों सभी को कल होने वाले प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। तो इस खबर पर अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। NS Now पे NS Now को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।